राहुल जी, इस देश में जेल का खेल जो चल रहा है वो हमें समझना होगा। आज के समय यदि कोई विपक्ष का नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे थे वो बंद हो जाते हैं। अगर आज मेरी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये तीनों भाजपा ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर दें तो तीनों बाहर आएंगे, केंद्र में बड़ी मंत्रिमंडल उन्हें दिया जाएगा और हो सकता है इनमें से किसी एक को भारत रत्न भी दे दिया जाए। राहुल जी, इस देश में जेल का खेल जो चल रहा है वो हमें समझना होगा। आज के समय यदि कोई विपक्ष का नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे थे वो बंद हो जाते हैं, कोई जेल कोई एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लेकिन अगर कोई लोकप्रिय नेता भाजपा ज्वाइन करने से मना कर देता है तो उस पर आरोप लगते हैं, एजेंसियां रेडे डालती हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं उसका एक बड़ा ही रीसेंट एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे मुझे लगता है कि बात पूरी क्लियर हो जाएगी। 2016 में इसी भाजपा सरकार ने एक बहुत बड़े नेता को गिरफ्तार किया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में। 2 साल वो नेता जेल में रहा और बड़ी मशक्कत के बाद 2018 में उस बड़े नेता को बेल मिली। 2023 में उस नेता ने भाजपा ज्वाइन कर ली और इसी हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट में ईडी ने सारा मुकदमा जो उस नेता के खिलाफ डाला हुआ था वो वापस ले लिया। मैं बात कर रहा हूं छगन भुजबल की। यह उदाहरण है भाजपा किस प्रकार से विपक्ष में जब कोई होता है उसे गिरफ्तार कर जेल में डालती है और अपनी पार्टी में आता है तो उसके खिलाफ सारे मुकदमे बंद कर देती है। मैं आपको शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार से लेकर नारायण राणे से लेकर छगन भुजबल की सारी कहानियां गिनवा सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज इस देश में ये जो जेल का खेल चल रहा है वो ये है कि अगर आप भाजपा में हो तो आप पाक साफ हो, भाजपा के विरुद्ध हो तो आप पे भ्रष्टाचार का लेबल लगा दिया जाएगा। और मैं एक चीज और बोल दूं, अगर आज मेरी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये तीनों भाजपा ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर दें तो तीनों बाहर आएंगे, केंद्र में बड़ी मंत्रिमंडल उन्हें दिया जाएगा और हो सकता है इनमें से किसी एक को भारत रत्न भी दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक 5-7 दशक के जनसंघ के इतिहास के बाद जब जन्मी तो उसे अपना पहला राज्य जीतने में 10 साल लगे थे। आम आदमी पार्टी को बने अभी 10 साल हुए हैं और 10 साल के भीतर हमारी 2 राज्यों में सरकार है, 11 सांसद हैं, अनगिनत विधायक हैं और इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप के नाम से जानी जाती है। बहुत बार चुनाव लड़ने के लिए लड़ाई मुस्तैदी से लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, बहुत बार सरकार बनाने के लिए लड़ा जाता है, बहुत बार संगठन बनाने के लिए लड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि आपने इन 4 राज्यों की बात करी, मैं आपको ये बता दूं कि इन 4 राज्यों में अगर बतौर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता है स्थिति कुछ अलग होती। और दूसरी चीज जो आज भारतीय जनता पार्टी खुशी से लड्डू बांट रही है और कह रही है 2024 का चुनाव समाप्त हो गया, अब तो हम जीत ही गए क्योंकि हमने इन 3 राज्यों में जीत दर्ज करा ली, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन 4 राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इन 4 बड़े राज्यों में कुल मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उस 11 करोड़ मतदाताओं के वोटों की अगर गिनती करी जाए तो उसमें से 4,80,00,000 वोट भाजपा को पड़े और 4,90,00,000 वोट कांग्रेस को पड़े। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को भाजपा से 10,00,000 ज्यादा वोट मिले। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुआ, 11 करोड़ वोट पड़े और भाजपा को 4,80,00,000 वोट मिले, बाकी सारा वोट विपक्ष का। एक चीज, दूसरी चीज, 4 भी छोड़िए राहुल जी, 5 राज्यों की बात करते हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 84 सीट्स हैं लोकसभा की, 84 सीट हैं। इन 84 सीटों में से आज भाजपा के पास 65 सीटें हैं। लेकिन अगर 2023 के चुनाव के वोट को आप लोकसभा के सीट्स पे एक्सट्रैपोलेट करें, लोकसभा के नजरिए से देखें, यानी कि आज जितना भाजपा को वोट मिला इतना ही 2024 में इन 5 राज्यों में मिले,
तो भाजपा की सीटें 65 से गिरकर 50 पे आ जाएंगी, यानी कि 15 सीटों का नुकसान भाजपा को होते हुए नजर आ रहा है इन नतीजों के मुताबिक भी। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है इन राज्यों के चुनावों को देखते हुए। मैं छोटा सा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे राज्यसभा सांसद बनाकर एक जिम्मेदारी दी हुई है, मैं वही जिम्मेदारी निभाता हूं। मेरी जहां जहां सेवाएं पार्टी लगाती है, ड्यूटी लगाती है, मैं करता रहता हूं। ना मैं कोई सुपर सीएम हूं, ना मैं सीएम हूं, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मुझे वही रहने दीजिए। देखिए, अगली बैठक इंडिया गठबंधन की 19 तारीख को है, उस बैठक में आगे कैसे सीट शेयरिंग और साथ मिलकर चलना है, क्या ब्लूप्रिंट देश के सामने रखना है, इन सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मेरा अपना यह मानना है कि वन वर्सेस वन के फॉर्मूले के तहत अगर इंडिया गठबंधन काम करता है तो अवश्य एक वैकल्पिक सरकार, एक नई सरकार, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हम इस देश को दे सकते हैं। ये इस प्रकार के प्रयोग पहले भी हुए, हमने देखा कि 1977 के चुनाव में कैसे तमाम पार्टियां एक छतरी के नीचे आईं, जिसमें वामपंथी भी थे, उसमें जनसंघी भी थे, और सबने मिलकर उस समय की एक शक्तिशाली सरकार को हराया। इंडिया गठबंधन पिछले कई महीनों से, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी, तो बहुत रफ्तार से जैसे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बट मेरा विश्वास है कि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और इन चुनावों से जो नतीजे आए हैं उससे एक प्रकार से पॉजिटिव भी लेते हुए और सीख भी लेते हुए, पॉजिटिव दोनों चीज़ों तरीकों से, एक तो कि सब साथ बैठ के मिलकर कैसे इस देश को महंगाई बेरोजगारी मुक्त बनाना है उस पर काम करेंगे, और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि 2019 के मुकाबले इस 2023 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी जिन्होंने ये चुनाव लड़े, उन सबका वोट शेयर बड़ा है, और कांग्रेस की जहां 2019 में इन 5 राज्यों में 6 सीटें थी, अगर वही वोट शेयर जो आज उन्हें मिला 2024 के इलेक्शंस में मिलता है तो उनकी 22 सीटें बढ़ती हैं, 28 सीटें हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है और होते हुए नजर आएगा। असेंबली के ट्रेंड को आप लोकसभा में ऐसे तो कहने, यही तो भाजपा कह रही है कि अब तो चुनाव ही मत लड़िए क्योंकि 3 राज्य हम जीत गए, अब तो हम 24 जीतेंगे। मैं इसी बीजेपी के इस क्लेम को होक्स करार देते हुए ये कहना चाहता हूं कि अब इंडिया गठबंधन बैठेगा, दिल्ली पंजाब सब पे चर्चा करेंगे, बंगाल पे भी करेंगे, केरल पे भी करेंगे, यूपी पे भी करेंगे। किसी व्यक्ति या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कम हम लोगों को तो कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग सब मिलकर एक बेहतर भारत की ओर काम करते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव में दो दो हाथ सारी पार्टियां करती हैं, तो इसमें कोई किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, हमारा क्या आइडिया है? आपने कहा आपके पास आइडिया क्या है, क्या चीज है जो आप लोगों के पास लेकर जाते? राहुल जी, जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे बड़ों बुजुर्गों को, महिलाओं को 1,000 रुपये उनके बैंक में डालकर सहायता राशि देंगे। तब ये भाजपा के लोग हमें कहा करते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं, कंगाल हो जाएगी सरकार, ऐसे थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं। आज यही भाजपा जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो कहती है 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वोट दे दो, 1,000 रुपये हर महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे, वोट दे दो। यहाँ तक कि भाजपा के उस समय के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने तो छाते और चप्पल तक बांटे थे वोट लेने के लिए। आम आदमी पार्टी ने एक आइडिया दिया इस देश में, वो है वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स का, लोक कल्याणकारी नीतियों की पॉलिटिक्स का, जो एक परिवार के लिए सरकार एक वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार करती है ताकि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आपको मिलना चाहिए वो मिलता है। आप कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब में ये चीज, ये बात कोई आज तक के मंच पे नहीं तय होगी, ये तो जब हम गठबंधन की बैठक होगी, आमने सामने बैठेंगे, विस्तार से चर्चा होगी, तो सारे राज्यों पे, दिल्ली पे भी चर्चा करेंगे, गुजरात पे भी चर्चा करेंगे, ये बताइए, मध्य प्रदेश पे भी करेंगे, सारे राज्यों, पूरे भारत देश पे सारी पार्टियां बैठकर चर्चा करेंगी। देखिए, मैं आपके हिसाब से कांग्रेस की दिल्ली में कितनी सीटों पर हैसियत है? आप मैं बताता हूं, देखिए आज जितनी पार्टियां उस कमरे में बैठती हैं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक बतौर नॉमिनी इनमें से कई कमेटियों पर बैठता हूं, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। हम लोग जब उस कमरे में जाते हैं, उस कमरे के भीतर बैठते हैं, तो 3 चीजों को छोड़कर, कमरे के बाहर छोड़कर इस कमरे के भीतर जाते हैं। पहला है मतभेद, दूसरा है मनभेद, और तीसरा है महत्वाकांक्षा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आपने मुझे शुभकामनाएं दी। बिल्कुल, एक अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, इट्स अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ, एंड आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड टू हैव परिणीति बाय माय साइड, एंड मेरी जिंदगी कई मायनों में बदल गई है। कैसे बदली, बताइए।
देखिए कोई भी बैचलर जो होता है वो एक बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेसफुल जिंदगी जीता है. मेरे जीवन के लगभग हर पहलू में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है. मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं तो हमारी शादी से पहले जिंदगी शुरू होती थी, सुबह शुरू होती थी आधा दर्जन अखबार पढ़ के स्ट्रेसफुल फोन कॉल्स के साथ. आज सुबह उठकर सबसे पहले एक घंटा ध्यान मेडिटेशन करते हैं. इतनी छोटी सी चीज़ जो उन्होंने सिखाई उससे ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन बदलाव आया और हर पहलू में आई ट्रूली थैंक गॉड यू नो कि उन्होंने मुझे एक ऐसी कंपेनियनशिप, एक ऐसी कंपेनियन दी हैं जिनके साथ मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी बदल गई है. इट्स चेंज फॉर द गुड एंड ज़िंदगी संवर गई है.